हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सिस्कोटेक। तो गाइस, हम आ चुके हैं आज भीम बैठिका में। ऐसा माना जाता है कि यहाँ भीम आए थे और यहाँ पर रुके थे। और ये गाइस, भीम बैठिका की पूरी गुफा अपन ने आज धीरे धीरे कवर की है। तो आराम से बैठ के वीडियो देखना पड़ेगा आपको, ताकि समझ आएगा। ठीक है, ये भीम बैठिका का लास्ट स्टेज है। ठीक है, और मैंने आपको हर चीज़ एक एक करके पूरी हिस्ट्री इसमें बताई है। और कई सारी गुफा, एक गुफा इधर है और 10 से 15 गुफा उधर है, तो अपन ने कवर की है। और ये है भीम बैठिका का लास्ट पॉइंट। यहाँ पर एक एक्चुअली गए हैं क्या, मंदिर भी है वैष्णो देवी मैया का। तो गाइस आगे चलते हैं और आराम से देखो, कहानी में बीच में बताऊंगा। तो लेट्स बिगिन। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सिस्कोटेक। और आज कहाँ जा रहे हैं हम लोग? आज हम लोग जा रहे हैं भीम बैठिका, जो कि भोपाल से तकरीबन 30 किलोमीटर पड़ेगा आपको। मैं भी भीम बैठिका में आ चुका हूँ। ये मेरे आसपास का लुक में, जैसे कि आपको दिखाऊंगा एक एक करके। और भोपाल से आपको अब्दुल्लागंज क्रॉस करके, एक सिटी है, शहर है, वो क्रॉस करना पड़ेगा आपको। और समथिंग भोपाल से वाया अब्दुल्लागंज और ये भीम बैठिका काफ़ी टूरिस्ट लोकेशन है, अट्रैक्टिव लोकेशन है। और जो भीम बैठिका है, काफ़ी दूर दूर से यहाँ पर लोग आते हैं देखने। भीम बैठिका नाम से ही आपको इसमें दिख रहा होगा। ठीक है, तो इसकी कैसे खोज हुई, क्या था यहाँ पर, एक केव्स है, एक गुफा टाइप की है, जिसमें कि कई सारे मैं स्नैपशॉट डाल दूंगा, जिसमें कि आपको पढ़ने को भी मिले। चलिए ओके गाइस, वेलकम बैक टू सिस्कोटेक। तो भीम बैठिका की खोज किसने की थी? डॉक्टर विष्णु श्रीधर वानक्कर 1951 से लेकर 1958 में इस गुफा की खोज हुई थी। उसके बाद ये आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने इसको बड़े ही ध्यान से संजोई कर रखा है। और ये गाइस, यहाँ से स्टार्ट होती है भीम बैठिका की गुफा, केव्स या रॉक जिसको बोलते हैं अपन लोग। तो इस टाइप के कुछ स्टैचू है यहाँ पर, जो कि कई साल पहले बने थे। और वो देखो ऊपर में, जो कि 2000 साल पुराना लगभग बताया जा रहा है। और इसके बाद में ये, मतलब रॉक नंबर वन ये हो गया जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। और ये हो गया अपना, जैसे कि यहाँ पर आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने, जैसे कि रॉक सेटा नंबर वन हो गया, शैलाश्रय संख्या वन। और ये है दो नंबर एक, यानी कि पार्ट सेल नंबर टू, ROC के रॉक, जिसको अपन सेल बोल सकते हैं, शैलाश्रय, सेल चित्र, जिसको हिंदी में बोल सकते हैं। ठीक है, तो गाइस ये था अपना क्या, भीम बैठिका, जो कि भोपाल से समथिंग आपको 30 किलोमीटर पड़ेगा। आपको औबेदुल्लागंज आना पड़ेगा इसके लिए। ठीक है, जब आप औबेदुल्लागंज आ जाते हो, उसके बाद में यहाँ पर ये MP टूरिज्म करके पास पड़ेगा। इतनी अमेजिंग रॉक है देखो। और ये गुफा, केव्स, जो भी रॉक, ये इस टाइप का कुछ यहाँ पर बना है भाई साहब भीम बैठिका में। तो जो डॉक्टर विष्णु श्रीधर थे, उन्होंने ये 1957 में गुफा की खोज की थी। बहुत पुराना है, कितने बहुत साल हो गया मेरे को लगता। और तीन नंबर रॉक ये है, ठीक है, 1, 2 और ये तीन नंबर। हर जगह प्रॉपर यहाँ पर बोर्ड लगे हैं। यहाँ पर कई सारे, जैसे कि स्टैचू है, मंदिर है,
संग्रहालय है, ठीक है, ये सारी आपको चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलेगी। ये सभागृह संख्या नंबर 3, यानी कि हो सकता है यहाँ पहले कुछ सभा वभा चलती होंगी, भीम बेटी का नाम है इसलिए, ठीक है। और रॉक देखो यार, रॉक कितना अमेजिंग है, देखो एकदम रेड स्टोन की पूरी चट्टान है ये, ये देखो यहाँ से लेकर के ये ऊपर तक, ऐसा लग रहा है इसको अगर बाहर से, अगर अपन ऊपर से देखें सैटेलाइट से, तो ये ऐसा लग रहा है कि कोई शेर खड़ा है बीच में, इस टाइप से दिखती है ये। अब चलते गए अंदर, और भी कुछ मैं दिखाता हूँ। भीम बेटी का भोपाल, ठीक है, ये भी एक काफ़ी पॉपुलर टूरिस्ट लोकेशन है, आप आ सकते हैं यहाँ पर देखने। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और फिर अगेन स्टार्ट करते हैं गाइस, सो लेट्स बिगिन। ओके गाइस, तो भीम बैठिका में ये जो आपको लोकेशन दिख रही है, इसको बोलते हैं ऑडिटोरियम क्यों, यानी कि सभागृह या सभागार गुफा, सभागार बोल सकते हैं हिंदी में। तो यहाँ पर कम से कम ये 39 मीटर लंबी, 4 मीटर चौड़ी और पश्चिम के साइड में 17 मीटर ऊंची है। भाई साहब ये जो पूरा ये आपको भाग दिख रहा है ना ये वाला, तो ये भाग है कहाँ का, भीम बैठिका का, ठीक है। अब ऐसा यहाँ पर आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अनुसार यहाँ पर की बैल, जंगली भैंसा, हिरन, 12 सिंगा, 1 मोर, 1 चीता, बालक के हाथ के निशान वगैरह वगैरह यहाँ पर दिखते हैं इस गुफा में, जैसे कि मैं उस शॉट में आपको दिखेगा। जैसे कि एक साइन ये देखो यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। और मध्य पाषाणकालीन बालक के हाथ के पंजे के बाहरी रेखांकन भी आप इस गुफा में गाइस देख सकते हैं। कौन सी गुफा में, ऑडिटोरियम केव, यानी कि भीम बैठिका। तो ऐसा कुछ यहाँ पर ऐसा लिखा भी है, ठीक है। और ये जो इतना बड़ा आपको ये जगह दिख रही है ना, ये है सभागृह यानी कि सभागार। ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर कुछ मीटिंग वीटिंग होती होंगी भीम और पांडव समथिंग लोगों की, ऐसा हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर एक पत्थर पर भी लिखा है कि शैलाग्रह ऑडिटोरियम सभागृह के समान प्राकृतिक बनावट होने के कारण यह सभागृह शैलाग्रह ऑडिटोरियम कहलाता है, ऐसा कुछ यहाँ पर लिखा है डिपार्टमेंट ऑफ सभागृह नंबर 3, ठीक है। काफ़ी बड़ा चौड़ा लंबा ये रेड स्टोन की है, बहुत ही अमेजिंग लोकेशन है गाइस। तो चेकआउट गाइस, वीडियो के नीचे लिंक मिल जाएगा गूगल मैप का, तो आप फाइंड कर सकते हो वीडियो देखने के बाद, ठीक है। तो फटाफट शाम हो रही है, ये देखो एक क्यूस यहाँ पर भी है, कुछ अजीब वो गरीब साइन भी है, जैसे कि पंजे के निशान, बैल भैंसे के साइन बने हैं, यानी कि उनकी आकृति, जिनको अपन फुटेज भी बोल सकते हैं, फोटो। और यहाँ काफ़ी सारे कबूतर भी दिख रहे हैं मुझे, चमनागढ़ भी है आई थिंक, क्या बोलती इसको। तो ये है भीम बैठिका के अंदर का भाग, ओ माय गॉड अमेजिंग। अब यहाँ देखो सेल चित्र, रॉक पेंटिंग्स, हाथ का निशान, ठीक है। अब इसको ढूंढते हैं हाथ का निशान कहाँ मिलेगा अपने को, एरो का साइन इधर बनाए, यानी हो सकता है इधर कहीं हो ये, ठीक है। अब मेरे काफ़ी एनालाइज और रिसर्च करने के बाद तो यही है गाइस, इतना ही कुछ निकल के आता है कि डॉक्टर विष्णु श्रीधर वानकर ने 1957 में गुफा की खोज की थी। हाँ ये मिल गया, ये साइन ये देखो, ये उधर मैंने आपको जो दिखाया था एक साइन ये है यहाँ पर, ठीक है। और ये हाथ का निशान ढूंढना है किधर, यहीं कहीं हो सकता है आई थिंक, ये यहाँ से पिक कर दिया है, ये देखो ऐसा लग रहा है कि यहाँ खुदाई हो सकती है, खुदाई हुई होंगी इसलिए कुछ यहाँ पर हाथ के पंजे के निशान
या कुछ आकृतियाँ बनी। हाँ, एक वो दिख गई मुझे, वो जैसे आपको फोटो में दिखाया था ना मैंने उधर पीछे में, यहाँ पर देखो इसको समझना पड़ेगा आपको। जैसे कि छिलनी, ठीक है, और यहाँ पर क्या बोलते हैं इसको आप, चॉपिंग टूल वगैरह जितने भी टूल होते थे पहले ज़माने में, वो साइन यहाँ पर मिलते हैं। ये देखो ध्यान से इसको पॉज करके आप पढ़ सकते हैं। कुल्हाड़ी के निशान, भीमबेटका का आदि काल से मानव की निवास स्थली है। मानव के विकार क्रम को जानने के उद्देश्य से यहाँ पुरातात्विक समथिंग समथिंग लिखा है। और यहाँ पर एक चीज़ दी है इन्होंने, सर्वाधिक निचले स्तर में निम्न पुराण पाशाल वन लेख ऐसा आई थिंक है ना, तो 100 से 40 वर्ष पूर्व, डॉट है बीच में, ध्यान से देखो, ये देखो डॉट लगा है, कॉमा है, तो कितना इसको वन लेख बोलेगा क्या यार, ओ माय गॉड इतना लंबा। तो ये आप पॉज करके यहाँ पढ़ सकते हैं, ठीक है। और जैसे वट तथा चालची डोरी से निर्मित जो उपकरण होते हैं ना, वो भी यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। ये सब कुछ क्या है, यहाँ पर दीवार पर बना है, यानी इस चट्टान पर बना है ये पूरी, आपको ऐसी कुछ रॉक चट्टान देखने को मिलती है। धीरे धीरे गाइज आगे बढ़ते हैं, ठीक है। रॉक नंबर 1771 मीटर यानी कि जू रॉक, ठीक है। अपन अभी कहाँ जा रहे हैं, अभी वहीं अंदर भीम बेटी का में अंदर जा रहे हैं धीरे धीरे गुफा के। शाम हो रही है तो मुझे लगता है स्पीड से अपने को जाना पड़ेगा, ठीक है। तो स्विच ऑन द कैमरा, तो गाइस देखा आपने कि काफ़ी कुछ है यार भीमबेटका में, बड़ी अजीब सी गुफा है ये, केव्स टाइप की है, इसको अपन एक चट्टान बोल सकते हैं, सब कुछ इसी के अंदर है और काफ़ी लोग आते हैं यहाँ पर। अपन अब जो भीमबेटका है उसके दूसरी शैला चित्र के अंदर जा रहे हैं, यानी कि हाय लोग ओपन है ना अभी, ओके। तो यानी कि समथिंग 4 से 5 अपन ने रॉक स्टोन कंप्लीट किए। ओपन है भैया, ओपन, चलो ओपन है। तो जैसे एक क्या बोल सकते हैं उसको, एक आदि मानव की हिस्ट्री की, पहले किस डिज़ाइन के थे, इंसान कैसा था पहले, छोटा था, बोना टाइप का था, मंकी के आकार से, फिर उससे वो कैसा डेवलप हुआ, पहले ज़माने में कैसे थे। तो हो सकता है इस गुफा में उनकी कई सारी निशानियां है, और बाकी मैंने आपको दिखाया। एक बोर्ड यहाँ भी है, यहाँ भी आदिमानव की कहानी लिखी है इस बोर्ड पे, ठीक है। ओ माय गॉड, एक अच्छी अमेजिंग रॉक दिखाता हूँ मैं आपको, चलो आगे। और हाँ, जो हिरन्स होते हैं ना उनकी भी साइन है यहाँ पर। तो अब अपन आ चुके हैं जू रॉक में, कहाँ पर, भीमबेटका के अंदर। जंतु शैलाश्रय जू रॉक, इस शैलाश्रय यानी कि रॉक में विभिन्न प्रकार के जानवरों के चित्र मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं अपन देखते हैं अभी, ठीक है। यहाँ पर आर्कियोलॉजिकल का शायद बोर्ड लगा है, जैसे कि आदि मानव, और ये देखो इसमें भी काफ़ी कुछ लिखा है। 252 आकृतियाँ बनी है,
कहाँ बनी है ये देखो, मैं कोशिश करूँगा आपको दिखाने की। एक ही काफ़ी बड़ी रेड स्टोन की चट्टान टाइप की मुझे दिख रही है, और ये देखो ध्यान से कोशिश करो, यहाँ पर सील कर दिया है, नहीं तो मैं कोशिश करता दिखाने की। देखो काफ़ी सारे हिरन गाय, वो देखो दिख रहे, फोकस, ये देखो है ना ब्रो, और इतना कुछ है यहाँ पर। ये देखो कम से कम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बहुत है। कंटिन्यू अगर आप ध्यान से दिखे, क्योंकि अंधेरा है तो हो सकता है आपको न दिखे, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको दिखाने की, कोई तोड़ा फोड़ी नुकसान ना करे, इसलिए गाइस इसको सील कर दिया है सेफ्टी के लिए। और ये पूरा भीम बैठिका का आसपास का लुक है, और ये भी फॉरेस्ट रिजर्व का ही है एरिया लगभग, ठीक है। कौन सा रात पानी पड़ता है ना भैया इधर, रात पानी अभ्यारण, रात पानी रिजर्व, अच्छा रात पानी, हाँ सही बोला। तो और आगे बढ़ते हैं भीम बैठिका के अंदर, ठीक है। एक यहाँ पर बोर्ड लगा है, यहाँ पर एक व्यू पॉइंट 60 मीटर समथिंग, यानी कि इसका जो मैप है ना, अब अपन 5 नंबर की तरफ जा रहे हैं, यानी कि रॉक नंबर 5। ये जो बड़े बड़े डिज़ाइन थे वो दिखाए मैंने, आप भीम बैठिका में रॉक नंबर 5, यानी कि काफ़ी सारे फुटेज मिलेंगे। ये कई साल पुरानी इमेजेस है, जैसे कि पिकॉक हो गया, हिरन हो गया, गाय भैंस बैल, इस टाइप की वो हजारों साल पुरानी बनी है। अपन जा रहे हैं 5 नंबर की साइड, यानी कि रॉक नंबर 5 भीम बैठिका में। वाह मैन गजब, ये देखो कुछ लुक, और प्रॉपर बहुत अच्छी इस बार फैसिलिटी कर दी है। और ये रात पानी रिजर्व, फॉरेस्ट रिजर्व के अंदर आता है, ठीक है, यानी भी ये भी फॉरेस्ट का ही है, और काफ़ी दूर दूर से टूरिस्ट लोग यहाँ घूमने आते हैं या इन्जॉय करने आते हैं, ठीक है। तो अभी गाइस सीज़न नहीं है, सीज़न में यहाँ काफ़ी भीड़भाड़ रहती है, अभी नॉर्मल सीज़न है, और आज संडे का दिन है तो काफ़ी लोग आए हैं यहाँ पर। तो मैं यहाँ से गुजर रहा था तो मैंने कहा ये चीज़ छूट गई थी अपनी, ये देखो यहाँ एक पाषाण खंड की आकृति कछुए के समान दिखती है, ये वाली, हाँ दिख भी रहा है, देखो मुँह उधर है और पैर इधर दिख रही है, ठीक है। देर इज़ अ रॉक मास विच लुक लाइक अ, देखिए आपको देखने को ये व्यू पॉइंट है ऊपर से, और ये देखो ये कछुआ जो दिख रहा है ना आपको, उस साइड से मुझे दिखाना पड़ेगा, वो खड़े रहने को जगह नहीं है। ये देखो बिल्कुल सेम टू सेम दिख रहा है आपको, हाँ। आप चलते हैं रॉक नंबर 8 की ओर, वो 5, ये 6, और ये हो गई 7 नंबर, और 8 नंबर, 8 नंबर इधर से जाएगी अपन लोग भीम बैठिका में। तो जैसे मैंने गाइस आपको काफ़ी इसमें कोशिश की बताने की कि डॉक्टर विष्णुधर जी थे, उन्हीं ने ये गुफा की, केव्स की, चट्टान की, जो भी बोल लो, खोज की थी। और पूरा रेड स्टोन है ये पत्थर जो है ना, लाल कलर का, ओह माय गॉड। और ये देखो ऊपर से मैं कुछ दिखाने की कोशिश करता हूँ, ये भोपाल सिटी है, इधर शायद अब्दुल्लागंज है, इधर होशंगाबाद, पचमढ़ी, पिपरिया, और ये पूरा जो जंगल दिख रहा है ना आपको इधर का, ये पूरा रात पानी अभ्यारण्य, रात पानी फॉरेस्ट रिजर्व के अंदर आता है। तो उधर रात पानी भी घूमने जा सकते हो आप, लेकिन उसके लिए 4-व्हीलर का यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि कोई जानवर या कोई एनिमल अटैक ना कर दे, इसलिए आपको 2-व्हीलर अलाउड नहीं करेंगे। 2-व्हीलर अलाउड है लेकिन वहीं पार्क करना पड़ेगा आपको, और यहाँ टिकट लगती है भाई साहब। वो देखो कछुआ, अरे दिख गया यार, ओ माय गॉड, ये कछुआ देखो, ये देखो ध्यान से, सेम टू सेम है, वो देखो एकदम सेम टू सेम कछुए की आकार की आकृति, वो देखो वहाँ कहाँ से जाए यार, इधर से अपन चल के देखते हैं पास में, वो देखो ये पत्थर ही 1 2 3 4 5, और एक मुंह, एकदम सेम टू सेम कछुए के समान है। तो फेसबुक पेज पर फोटो देख सकते हैं, मैं उसकी फ़ोटो कोशिश करूँगा क्लिक करने की। यहाँ गड्ढा यहाँ खाई है बहुत बड़ी है देखो, नहीं तो मैं कोशिश करूँगा वहाँ जाने की आपको दिखाने की। तो गाइस आगे बढ़ते हैं, एंड लेट्स बिगिन। Thank you.
वेलकम बैक टू सिस्को टेक। तो आज अपन कहाँ घूम रहे हैं, भीम बैठिका में। तो काफ़ी सारी कहानी है डॉक्टर विष्णुधर ने इस गुफा की, जो भीम बैठिका नाम है इसका, और MP मध्य प्रदेश की सबसे फेमस लोकेशन है। बहुत दूर दूर से यहाँ पर टूरिस्ट आते हैं, फॉरेनर से भी, फॉरेन से यहाँ पर टूरिस्ट आते हैं। यहाँ पर क्या है, काफ़ी पुरानी, इतनी हजारों लाखों साल पुरानी वो डिज़ाइनिंग बनी है। अब हो सकता है, अगर मेरे एनालाइज और रिसर्च करने के बाद देखते तो हो सकता है यहाँ भीम और पांडव की टीम आके कुछ रुकी होगी, या सभागृह जैसे कि उस टाइप से बने, ऐसा लोग कहते हैं। और आर्कियोलॉजिकल के अनुसार उन्होंने वो कंफर्म नहीं किया है, जो बोर्ड पे प्रॉपर उन्होंने बताया है कि यहाँ पर ये है, कई सारी आकृतियाँ बनी है, आदि मानव की कई सारी कहानियाँ हैं कि पहले कैसा था, उनके निशान वगैरह यहाँ पर बने हैं, जैसे कि चाकू, छुरी, चाबुक किस टाइप के थे, पत्थर कैसे थे, उसके बाद कई सारे हिरन की, बैल की, ऐसी बिल्कुल वो डिज़ाइन देख कैसा लगता है कि कितने साल की होगी वो भगवान ही जाने। तो आज से मुझे लगता है कि ये वाली, ये जो लोकेशन है तो 1957 से 1958, तो कितना, काफ़ी दिन हो गया, बहुत पुराना है। और इतनी अच्छी लोकेशन की शुरुआत की डॉक्टर अपने विष्णुधर जी ने, ठीक है। और गाइस ये जो फॉरेस्ट है, ये वो सतपुड़ा वाला फॉरेस्ट नहीं है, ये है रातपानी अभ्यारण्य। सब्सक्राइब करें सिस्को टेक चैनल को और इस बेल आइकन को प्रेस करें लेटेस्ट टेक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। ओके गाइस, सो रॉक नंबर 8 पर अभी हम आ चुके हैं। अब निकलते हैं धीरे धीरे बाहर। यहाँ भी काफ़ी सारे स्टैचू बने हैं, जैसे कि मैं आपको शॉर्ट में दिखाने की कोशिश किया हूँ, इसलिए काफ़ी स्लो शॉर्ट ले रहा हूँ। यहाँ पर जैसे कि काफ़ी सारे शैल चित्र हो गया, रॉक्स हो गया, काफ़ी सारी आकृतियाँ जिनको अपन फुटेज टाइप की बोल सकते हैं, ठीक है। वो मैंने आपको कछुआ दिखाया उधर, बिल्कुल ऐसा लग रहा था एक्चुअल में, वहाँ पर क्या गड्ढा था बहुत बड़ा, नहीं तो मैं और पास से दिखाता, ठीक है।
और रॉक नंबर 9 ये है, ये देखो, थोड़ा चलते हैं अंदर तो ये, ओह माय गॉड, रॉक नंबर 9, ये देखो रॉक नंबर 9। तो यहाँ पर ये वाला स्टैचू, ये देखो वो हॉर्स, यार देखो दिख गया, ये देखो हॉर्स, यानी कि इसको देख के ऐसा लग रहा है कि शायद ऑटोमेटिक बनी है वो, यानी कि किसी ने पहले हो सकता बने। और ये देखो एक स्टैचू, हाथी, एलिफेंट, हॉर्स, और इधर में अंधेरा है वहाँ, आई थिंक नहीं दिखे, वो एक गड्ढा, ये केव्स है अंदर में, एक एलिफेंट हो गया, हॉर्सेस, और ये पता नहीं, ये तो समझ नहीं आ रहा है मुझे, तो समथिंग लाइक दिस। ठीक है, ये है रॉक नंबर 9, यानी कि शैला चित्र नंबर 9। और ये कुछ आसपास का लुक भीम बैठिका का, रॉक ये नंबर 9 हो गया। काफ़ी अच्छा फैसिलिटी कर रखा है, यानी कि कहाँ पर क्या चीज़ है वो पता भी तो हो ना, क्योंकि किसी गड्ढे में कुछ बना होगा वो थोड़ी। तो यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी से काफ़ी अच्छा कर रखा है, सब जगह कुछ न कुछ आपको बोर्ड लगे हैं, प्रॉपर सब कुछ है ना। लेकिन आपको यहाँ पर और इधर देखते हैं, ये देखो यहाँ पर इसको सेफ्टी के लिए, कि कोई ख़राब और नुकसान थोड़ा फोड़ी ना करें, रॉक नंबर 10। ठीक है, यहाँ पर कोशिश करते हैं देखने की क्या चीज़ें है। और ये देखो एक ये स्टैचू यहाँ बना है, एक आदमी के आकार का मुझे कुछ दिखाई दे रहा है यहाँ पर। ठीक है, और आगे थोड़ा चलते हैं, ओ माय गॉड अमेजिंग यार, ये देखो समथिंग लाइक दिस। और ये केव यहाँ से उधर जा रहा है, यानी कि यहाँ पर एक खाली जगह दिख रही है इस टाइप से। आपको कभी भी ऐसी केव्स पे, गुफा पे, टेंपल पे चाक से नहीं लिखना है, जिससे कि वो गंदी हो। ठीक है, आपको सेफ्टी का भी ध्यान रखना है। तो गाइस आगे बढ़ते हैं, एंड गाइस लेट्स बिगिन। ओके गाइस, लिविंग एनवायरनमेंट ऑफ भीमबेटका। तो एक कारी का पेड़ के तने के ऊपर पापड़ा का पेड़ उगाया है, कहाँ है उसको देखते हैं, पॉज करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, रॉक नंबर 11 और रॉक नंबर 12। तो अपन इधर से जाते हैं तो उधर लेफ्ट में अपन निकल जाएंगे। ठीक है, और ये कुछ आसपास का व्यू, ये घिरिया का है, ये देखो, देख लो आपने देखा नहीं होगा तो। और इसके बाद में रॉक नंबर 12 एंड 11 की ओर चलते हैं, मतलब कि वो पेड़ के अंदर होता है, कई बार मैंने देखा है फॉरेस्ट में, जंगलों में एक पेड़ के अंदर पेड़ निकल जाता है, होता है अक्सर। बट हाँ, कुछ फैक्ट होते हैं कि यार ये पेड़ इसके अंदर नहीं होगा, ऐसा फैक्ट भी होता है कुछ। तो गाइस ऐसी कुछ कहानी थी जो मैंने बताई मेरे एनालिस और रिसर्च करने के बाद। हो सकता है यहाँ भीम और पांडव भी आए हो और कुछ रुके हो, सभाग्रह था और अज्ञातवास के दौरान, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन आर्कोलॉजिकल के अनुसार यहाँ पर जैसा जैसा और भी कुछ कहानी थी वो भी मैंने कोशिश की बताने की। ठीक है, तो जो पॉपुलर कहानी थी जो यहाँ के लोकल के लोग बोलते हैं वो मैंने दिखाया, भीमबेटका रॉक्स, रात पानी का जंगल है भाई साहब, शाम हो चुकी है और मुझे लगता है अब इस जंगल से निकलना चाहिए, है ना। और हाँ, उधर इधर यहाँ भीमबेटका में तो टू व्हीलर तक आ सकते हो आप लोग, लेकिन उधर रात पानी फॉरेस्ट के लिए आपको फोर व्हीलर लेके आना पड़ेगा। बस इधर कुछ नहीं है, बस इधर एक कुछ चट्टाने है। और एक अमेजिंग चीज़ और है लास्ट में, तो मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। चलो आगे बढ़ते हैं गाइज, और लेट्स बिगिन। ओके गाइज, तो ये है छतरक के आकार का एक शैलाशय, जिसको पहाड़ या रॉक बोल सकते हैं। कई सारी यहाँ भी डिजाइनिंग बनी है इस रॉक पे, इसको रॉक नंबर 15 दिया गया है। और गाइस लुक्स लाइक अमेजिंग, इसको ध्यान से अगर आप देखोगे, ये देखो, तो ये कि ये छत्र कहने की छत्ता होता है ना, इस टाइप से गोल गोल, इस टाइप से यहाँ इन्होंने कुछ नाम दिया है। थोड़ा दूर से मैं कोशिश करता हूँ दिखाने की, ये देखो
यहाँ पर भी कई सारे आपको मानव आकृतियाँ और कुछ एनिमल्स की डिज़ाइनिंग बनी है, वो देखो यहाँ से ऊपर में, ठीक है। और यहाँ पर एक बोर्ड भी लगा है, तो देखते यहाँ पर देखो इन्होंने लिखा भी है कि इस काल्पनिक पशु को चंद्राकार सिंह तथा बालों युक्त एक विशाल थूथन के साथ दर्शाया गया है, ठीक है। और इसके अतिरिक्त यहाँ मानव और वगैरह वगैरह के, ये एक रॉक है और ये देखो ना उसका यहाँ पर दिख रहा है, ऐसा लगता है कि कोई एक जानवर टाइप का है, इधर से मुंह दिख रहा है और इधर से ये इस टाइप से। तो ये गाइस कहानी थी कुछ भीम बैठिका के अंदर रॉक्स की। बैक टू द रॉक नंबर 15, 16, 17। कम से कम मेरे को यहाँ पर 2 से 2.5 घंटे हो चुके हैं, ठीक है, क्योंकि हर चीज़ को पहले ध्यान से देखना कि कहाँ से स्टार्टिंग करना है और फिर उसको शूट करना प्रॉपर, फोटो क्लिक समथिंग, काफ़ी टाइम लगता है शूटिंग के लिए। तो ऑफकोर्स गाइस लाइक, हिट द लाइक बटन, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ उस घंटी की बटन को दबाएं जिससे कि ऐसे